किधर जा रहा है? पे। अच्छा अब बच्चों का काम नहीं है तुम्हें लगी स्ट्रॉबेरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है, हम आज दोबारा जा रहे हैं अपनी ज़मीनों पे। ज़मीनों के करीब ही थोड़ा आगे ना स्ट्रॉबेरी के खेत लगे हुए हैं। स्ट्रॉबेरी खेतों में कैसे लगती है, हम आपको आज वही दिखाने जा रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी खेतों में कैसे लगती है। तो चलें देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप देख लिया करें मेरी वीडियो को। आज वो मेरी ऐनक पिछली दफ़ा टूट गई थी तो मैंने सोचा मैं एक ऐनक नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ से हम ऐनक लेने लगे हैं। देखते हैं कौन सी पसंद आती है। साहब ये वाली दिखाना, ये ऊपर वाली। हाँ जी सही लग रही है, हैं? चलो ऐनक ले ली है, कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। छोटा भाई और भतीजे जो है ना वो कहीं घूमने जा रहे हैं, वो रास्ते में हमें मिल गए हैं। ये जी रास्ते में ये जा रहे हैं, खुदा हाफिज़ मुल्तान। ये है जी बाबे मुल्तान। तो यहाँ से हम मुल्तान से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे बाहर आप निकलो हाईवे पे तो आपको एक तो ये हाईवे की रौनक ट्रक वगैरह नजर आएंगे और दूसरा ये खेत मुल्तान की शान आम आपको जगह जगह हाईवे के साथ साथ मिलेंगे। खूबसूरत नज़ारा, दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा। ये गंदम लगी हुई है, दूर दूर तक आपको गंदम के खेत लग रहे हैं। फ़िलहाल ये ग्रीन है, बस कुछ ही दिन हैं, जैसे सोना बिक रहा हो पूरी ज़मीन पे। इस वक्त ऐसे है जैसे पूरी हरियाली हो। जो जब मरी पहुंच गए फिर देखा तो वीडियो आई नहीं। मैं काशी भाई को पूछा मैं वीडियो नहीं आई, कहने मैं कह इंज भाई जी कहते सड़े नु आदा प्ले तो कर। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿਦਾਂ ਗਏ? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗ। ਕੀ ਖਾ ਰਹਾ ਹੈ? ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਏਗੇ ਹਮ ਤਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੱਢ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪਾਓ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਮ ਯਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਂ। ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਪਿਆ ਤਵੇ ਤੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈਂ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਹਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਏਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਆਗੇ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਾ ਖੇਤ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹੈਂ। ਯੇ ਹੈਂ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੇ ਖੇਤ। ਤੋ ਸਰਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋਰਾ ਪੜ ਗਿਆ ਥਾ। कोहरे की वजह से सर्दी मतलब शदीद हो जाती है ना जब, तो बर्फ़ जमने लग जाती है, तो वो सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी पौधे जो है ना वो मर गए थे। तो अब मौसम दोबारा खुला है तो कुछ पौधे अब सेट हो रहे हैं और स्ट्रॉबेरियाँ भी लग रही हैं। ये जी स्ट्रॉबेरी खेतों में लगी स्ट्रॉबेरी, ये तोड़नी मुश्किल हो गई। ये लाल लाल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। आहा आपने मेरे गमले में लगी भी देखी होंगी, मैंने शॉर्ट वीडियो एक चढ़ाई थी उसमें आपने मेरे घर में लगी हुई गमले में लगी हुई स्ट्रॉबेरी भी देखी होगी। उस वो भी माशाल्लाह इसी तरह खूबसूरत ऐसे ही जैसे ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज मेरे अपने गमले में लगी हुई हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी का पूरा खेत है, वो आगे तक वो परले दरख्त तक। ये जो इन्होंने ये लगा रखा है ये एक पर्दा, तो ताकि ये परिंदों से बच सके, जानवरों से बचा सकें। तो जानवर क्योंकि आके ये ख़राब करते हैं, तो जानवरों से बचाने के लिए इन्होंने साइडों पे ये सारा कपड़ा सफ़ेद कपड़ा लगाया और जाली भी लगाई हुई है साइडों पे कि परिंदे और वो जानवर जो है ना वो इन खेतों में ना आ सकें। तो इसकी हिफाजत के लिए इन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाते हैं, नीचे ये मल्चिंग पेपर लगाया जाता है ताकि जो स्ट्रॉबेरी है वो मिट्टी से टच ना हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मिट्टी से टच होती है तो उसको फंगस लग जाती है।
मेरे गमलों में भी आपने देखा होगा मैंने नीचे मल्चिंग की हुई है, उसकी राइस स्ट्रा की मल्चिंग की हुई है। यहाँ खेतों में जो है ये मल्चिंग पेपर होता है ब्लैक कलर का, उससे मल्चिंग की जाती है। पहले ये पेपर लगता है, फिर ऊपर से ये स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाते हैं, उसके बाद जब स्ट्रॉबेरी लगती है तो वो फल ख़राब ना हो। तो अब स्ट्रॉबेरी के बाद, स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा लंबी ये फसल होती नहीं है, ये एक से डेढ़ महीने की फसल होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाने। तो इन्होंने साथ में ये मिर्चियाँ लगाई, ये मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जैसे ही स्ट्रॉबेरी ख़त्म होगी तब तक ये मिर्चों के पौधे जो हैं वो ग्रोथ कर जाएंगे, तो इसी खेत में फिर मिर्चियाँ लगी हुई नज़र आएंगी। आज आज चल जो है सही मशीन थोड़े को अब बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, ये तुमसे नहीं चलनी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।